विवाह संपन्न हुआ। अग्निदेव को साक्षी मानकर आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित। अपने कुशल दाम्पत्य जीवन के लिए अपने बड़ों का चरण छू के आशीर्वाद। हमेशा तुमको चाहा और चाहा कुछ भी नहीं। ये कैसे कर दिया तुमने रोशनी? एक बार मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? पूजा, पूजा, और पूजा मेरा इंतजार तक नहीं किया। मैंने कहा था ना मैं वापस आऊंगा। इतना इंतजार भी नहीं कराया था तुम्हें जितना तुमने मुझे कराया था रोशनी। लेकिन मिलके करते भी क्या? बचा क्या था हमारे बीच में बात करने के लिए? इसके आगे हमारा रिश्ता नहीं जा सकता था स्थान, ये तुम भी जानते हो। जो दाग तुमने मुझको दिया उस दाग से मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं चारों जिंदगियां बचा पाती। जो रास्ता बचा था अपना लिया मैंने। अब हमारे आसपास सब लोग खुश रहेंगे। अरे रागिनी बेटा, कहाँ जा रही हो? अभी कुछ रस्में बाकी हैं, थोड़ा ठहर जाओ। आओ। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? कितना इंतजार किया तुम दोनों का, जल्दबाजी में किसी का इंतजार भी नहीं कर पाए, शादी संपन्न भी हो गई। अब आप लोगों ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। मैंने और आर्या ने शादी कर ली है। ये फेरों के चक्करों में फंस नहीं सकते थे इसलिए बाहरी शादी करा। क्या मतलब है? तुम लोग शादी तो पहले ही कर चुके हो। नहीं शोना, इन दोनों ने शादी नहीं की थी। दोनों मिलकर सबकी आंखों में धूल झोंक रहे थे। मैं चुप रही ताकि सबका मन बना रहे, लेकिन लगता है कि अब मुझसे गलती होगी। तुम दोनों इंतजार नहीं कर सकते थे? चुपचाप शादी करने की क्या जरूरत थी? माँ, आपने इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे। आन्या से शादी करे बगैर ये इतने दिनों से हमारे घर में आन्या के साथ रह रहा है। सिद्धार्थ और आन्या की शादी नहीं हुई थी? कौन और क्या क्या राज है सब में? इतना कंफ्यूजन, आखिर सच क्या है? तुम्हारे इसी गुस्से से बचाने के लिए चुप रही मैं, लेकिन ये दोनों फेरों के लिए थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते थे? मान गई थी ना मैं। इंतजार तो आप लोग भी
कर सकते थे। नहीं, इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि एक और बात, आनिया प्रेग्नेंट है। मेरे प्यार और विश्वास का ये सिला दिया तूने, बदमाश। रुकिए नैना जी, ये क्या कर रही हैं आप? आन्या सिर्फ मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी है। और आप जानती हैं ना कि ये प्रेग्नेंट है। आन्या ने गलती की है, लेकिन ये सिद्ध, ये भी बदमाश है, इसने भी गलती की है। दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, दोनों चीजों को सुधारना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम इन दोनों को सजा दें। लेकिन क्या भरोसा है कि इन लोग अब भी सच बोल रहे हैं? मैं जानता था आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, खुद देख लीजिए। सभी एक बार नजर मार लीजिए, रागिनी जी आप भी। हम लोग ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों खड़े हैं? ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है ना भाई। मितुल जी, हमें मिठाई मंगवानी चाहिए, सबका मुंह मीठा करना चाहिए। और ये जो नए नए शादीशुदा लोग हैं ना, इनको बड़ों का आशीर्वाद देना चाहिए, है ना? चलो भाई आशीर्वाद लो, चलो। जी तेरा। गलती के लिए माफी चाहता हूँ। खुश रहो। सदा सुहागी। चलिए मितुल जी, मिठाई लेने चलिए। अशुना जी, जी जी आ, ये सारे। वैसे ये सब हुआ कैसे? मतलब नील को तो रोशनी के बारे में सब कुछ पता था ना? और
एक्चुअली क्या है, नील ने ना सब कुछ सोच समझ के ही डिसाइड किया है, लेकिन क्या है वो थोड़ा सा ना सेंसिटिव है इन सब मामलों में, तो शायद ये सब बातें उसको अच्छा ना लगे, तो उसके सामने ना ये सब बातें ना ही करे तो ही अच्छा होगा। और खास तौर से ना पूती के सामने, आपको तो पता ही है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, और वैसे भी देखो ना, गड़े मुर्दे उखेड़ने से क्या फायदा। मेरे ख्याल से सेट और आन्या के सामने भी ये सब बातें ना ही करे तो ही अच्छा होगा। नहीं, यू अगेन राइट। वो रागिनी की शादी इससे पहले सिट के कजन से हुई थी, इसीलिए तो उसका सरनेम खुराना है। क्या कहूँ, वो इस शादी से ना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रागिनी या रोशनी जो भी कह लो, उसकी इस परिवार से ना बिल्कुल भी नहीं बनती थी हैं। इसीलिए जब उसने सिट को यहाँ पे देखा तो वो हिल सी गई थी बेचारी। अब क्या बताऊं, शादी इतनी बुरी थी कि उसकी वजह से उसने अपने माँ तक को खो दिया। इसीलिए मजबूरन उसे एक नया नाम लेना पड़ा, नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ी। हम यार तुम शोधती कथा बोलछी नील, आपको पता है जी? मैं ना बहुत ही टेंशन में थी, पता नहीं नील कैसे रिएक्ट करता जब रागिनी की सच उसके सामने आता, कहीं मना कर देता तो अब। लेकिन सब कुछ कितने अच्छे से हो गया ना। नील को सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसने रागिनी को अपना लिया। मुझे सब पता है तुम्हारे बीते हुए दिल के बारे में, सेठ खुराना के बारे में, कैसे तुमने अपनी मॉम को खो दिया और फिर तुमने अपने लिए एक नई आइडेंटिटी बना ली। लेकिन मैं बीते हुए कल को कल में ही दफन रहने देना चाहता हूँ। आमी तो भीषण खुशी, आमी खुशी। चले चलिए भाई, सब लोग मुंह मीठा कीजिए। थोड़ा और मिठाई खा लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें जो जूते खाने को मिलेंगे उसका तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ऐसा फुल प्रूफ प्लानिंग की है मैंने कि कोई तुम्हारी दुनिया को जानने से रोक ही नहीं सकता। आगे नहीं बेटा, गृह प्रवेश की रस्म कर लेते हैं। आओ बेटा, प्रवेश करो। नैना जी, आपकी बहू का तो गृह प्रवेश हो गया, अब मैं चाहूंगी कि मेरी बहू का भी गृह प्रवेश हो। क्यों सर? तो फिर हम चलते हैं। ओ हाँ, मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के सेलिब्रेशन के लिए क्यों ना एक पार्टी करें। तो शाम को मेरे घर में पार्टी है और आप सबको आना है।
चले सर, चले बेटे, चल। रुकिए, अभी कुछ रस्में बाकी हैं, आइए मंदिर में चलते हैं। जी घर की एक लक्ष्मी विदा होके जा रही है और एक लक्ष्मी घर में प्रवेश कर रही है। ये घर का सौभाग्य थाल है, अपने हाथों से अपनी भाभी को दे दो। रागिनी बेटा, ये शाखा पौला है, तुम्हारे सुहाग की निशानी, इसे हमेशा पहन के रखना। अरे बेटा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? लैला जी, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। अरे राज जी, ऐसे कैसे, अभी अभी तो आए और अभी जाने की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर और रुक जाइए, कुछ रस्में बाकी हैं, फिर चले जाइएगा। वैसे भी सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ, रिश्तेदारों को तो बुला नहीं सके, घर परिवार के लोग रुक जाएंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब हम एक परिवार हैं, समधन बन गए हैं, तो फिर थोड़ी देर तो हम यहाँ रुक सकते हैं। और हम क्या, आने और सिर भी यहाँ रुक जाएंगे थोड़ी देर के। आखिर रागिनी अब आन्या की भाभी जो है। थैंक यू, यू वेलकम। हमेशा तुमको चाहा और चाहा चाहा चाहा। मितुल, तड़ातड़ी करो। हाँ आशी। अरे किसी नौकर को नहीं बोल सकती थी, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। शना, ये रागिनी को दे। मेरी जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है रागिनी। मैं तुम्हें जिंदगी भर यूं ही थामे रहूंगा। जिस तरह इस थाल में फल फूल और मिठाई सजा हुआ है, तुम्हारी जिंदगी भी हमेशा खुशियों से सजी रहे।
की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। हमारे बीच कभी कोई पर्दा नहीं होगा, कोई झूठ नहीं होगा। हम हमेशा एक दूसरे के पूरक हमेशा एक दूसरे के पूरक बने रहेंगे, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। और इसके बदले में तुम्हें सिर्फ मुझे और मेरे परिवार को सच्चे दिल से अपनाना होगा।